तो दोस्तों काफी ज्यादा डिमांड के बाद मैं आज आपके लिए ले हूं एक मेगा कंपैरिजन अंडर टू थाउजेंड रुपीज में आने वाली डायल स्मार्ट वॉचेस का और जैसा आप जानते हैं ऑल्ट ब्रांड जो है है वो काफी सारी लेटेस्ट स्मार्ट वॉचेस लॉन्च कर रहा बजट कैटेगरी में तो आज मैं उसकी एक और लेटेस्ट लॉन्च चुकी है ऑल्ट वाइब लाइट उसका कंपेरिजन लिया हूँ फायरबोल की तरफ से आने वाली टॉक थ्री का दोनों ही बजट सेगमेंट की स्मार्ट वॉच है अंडर टू थाउजेंड रुपीज की कैटेगरी में लाइक करने वाली और दोनों का ही बेस्ट बाइक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगी कौन सी स्मार्ट वॉच आपके लिए बेटर रहने वाली है और जैसा आप जानते हैं इससे पहले ऑल्ट लॉन्च कर चुका है अपनी लेटेस्ट स्मार्ट वॉच ऑल्ट वाइब जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है मार्केट में और टॉप फाइव बेस्ट स्मार्ट वॉचेस अंडर टू थाउंड की वीडियो में भी मैंने इसको इंक्लूड किया था जिस पे आपने काफी प्यार दिया है तो जल्दी से उस सेन लाख व्यूज कंप्लीट करवा दीजिए जो कि हम बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं और इस वीडियो को भी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और बेलाइक पर भी ऑल प्रेस करिए ताकि हम ऐसी लेटेस्ट वीडियो जब भी लाए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए दोस्तों एक एक पॉइंट करके मैं दोनों ही स्मार्ट वॉच का डिटेल कंपेरिजन करने वाला तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें डिस्प्ले की क्वालिटी की तो जैसा आप इधर देख सकते हैं

ज्यादा कम की हुई है जैसा आप देख सकते हैं इंडोर्स में आपको काफी सफिशियंट ब्राइटनेस मिल जाएगी लेकिन फिर भी अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने हाफ ब्राइटनेस टॉक थ्री की हुई है और हाफ ही ब्राइटनेस ऑल्ट की हुई है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ब्राइट डिस्प्ले लग रहा है ऑल्ट की स्मार्ट वॉच का और पिक्सल रेजोल्यूशन सेम होने के बावजूद भी मुझे पे कलर काफी ज्यादा अच्छे से पॉप होते हुए दिख रहे हैं तो अब अगर बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की जो की है बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन तो यहाँ पे काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं फायर टॉक थ्री की अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको मेटल की बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और मेरे हिसाब से थोड़ा रगे डिजाइन पे ज्यादा फोकस किया फायरबोल्ड ने उस वजह स्मार्ट वॉच का वेट थोड़ा हाई हो जाता है लेकिन फिर भी दोस्तों पे आपको डायल के मिल जाते हैं। और ऊपर दो है। है का बटन है ऑन ऑफ करने का और ओवरऑल और जैसा बिल्ड क्वालिटी को भी रिप्लेस कर सकते हैं वही अगर बात करें ऑल्ट वाइब लाइट की तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोस्तों की ये स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा स्लीक डिजाइन की है और लाइक डिजाइन है दोस्तों इसका बहुत लाइट वेट स्मार्ट वॉच है और मुझे पर्सनली इसके स्ट्रैप ज्यादा अच्छे

फीमेल मेल सब इस स्मार्ट वॉच को पहन सकते हैं लेकिन टॉक मेरे हिसाब से स्पेसिफिकली बनाई गई है रिस्ट वाले लोगों के उन लोगों के लिए काफी अच्छी ऑप्शन रहेगी जिनकी काफी थिक रिस्ट है और ऑल्ट वाइब लाइट जो है ये दोनों ही लोगों के लिए चाहे वो मेल हो या फीमेल दोनों के लिए अच्छी है तो वैलेंटाइन के टाइम पे काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आप एक लाइट वेट स्मार्ट वॉच देख रहे थे थिन वाले लोगों के लिए अब अगर बात करें वॉच हुआ की तो यहाँ दोनों स्मार्ट वॉचेस में काफी ज्यादा स्मूथ वॉच हुआ देखने को मिल जाता है और मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों स्मार्ट वॉचेस के फीचर्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर पे आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस

बात करें स्पोर्ट्स मोड की फायर बोल्ट में हंड्रेड प्लस हैं और वही अगर बात लाइट की तो यहाँ पे आपको मिल जाते है, 120 mode, जो की काफी रहते हैं सबसे अच्छी बात मॉनिटर ऐसे कई पहले बहुत मुश्किल से मिलता था लेकिन दोस्तों पे आप देख ही सकते कैटेगरी वाइज आपको काफी सारे स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे और इजील इनको यूज कर पाएंगे तो ओवरऑल दोस्तों वॉच यूआई का काफी स्मूथ है मेरे हिसाब से राउंड डायल के लिए ऐसे वॉच यूआई काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं मुझे भी लाग नहीं दिखाई की तो देख लेते हैं कि ऑल्ट वाइब लाइट में आपको किस तरह के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं मैं आपको एक नंबर डायल करके डिटेल में इसके स्पीकर की क्वालिटी दिखा देता हूं तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं फोन को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने आप को म्यूट कर सकते हैं और सिंपली कॉल को एंड भी कर सकते हैं तो ओवरऑल स्पीकर्स की की क्वालिटी है अब अगर बात करें टॉक तो इसके स्पीकर मैंने इसकी डेडिकेटेड वीडियो में में दिखाई हुई है और उसको आप डिटेल में जाके चेक आउट कर सकते हैं और थोड़ा प्यार और दीजिए उस वीडियो को जाकर और दोस्तों जैसा आप जानते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉच को मैं काफी अच्छे से टेस्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे एक और बड़ा डिफरेंस मुझे मिल गया जो है दोस्तों गेम्स का यहाँ पे ऑल्ट वाइब लाइट में आपको गेम्स मिल जाती है टाइम पास के लिए जिसको आप इजिली यूज कर सकते हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है लेकिन

लाइट की तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा तीन दिन तक का बैटरी बैकअप जो कि दोस्तों का फर्क है लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको पे बता दिया है so, अगर बात करें हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी काफी अच्छी है मैंने इन दोनों को काफी अच्छे से टेस्ट किया है लेकिन फिर भी दोस्तों हर बार की तरह मैं आपको वीडियो में कहता ही हूं कि आपको हंड्रेड इन वॉचेस पर रिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल मेडिकल ग्रेड डिवाइस नहीं है ऑब्वियसली दोस्तों स्टेप्स कैलकुलेटर वगैरह को आप इजिली यूज कर सकते हैं और दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में काफी अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती है तो फाइनली कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो

काफी ज्यादा मेहनत लगी है दोस्तों दोनों स्मार्ट वॉचेस को हम काफी दिनों से टेस्ट कर रहे थे और मैंने डिटेल में आपको इन दोनों का कम्पेरिजन लाख के दिखा दिया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि कौन सा कम्पेरिजन नेक्स्ट आप चाहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने टेक मंजिल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू दोस्तों